क्या आप कभी किसी भूतिया किले में गए हैं? नहीं गए हैं तो चलिए आज मैं कराती हूँ आपको एक भूतिया किले की सैर। तो जी हाँ, आज मैं आ गई हूँ शनिवार वाड़ा। ये बाजीराव मस्तानी मूवी के बाद से ज़्यादा फेमस हो गया है। वैसे शनिवार वाड़ा पुणे में पहले से ही एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और शनिवार वाड़ा जो बाजीराव मस्तानी मूवी है वो शनिवार वाड़े के ऊपर ही बनी हुई है, क्योंकि बाजीराव मस्तानी को और बाजीराव के जो घर को यहीं पे दिखाया गया है शूट करके। तो शूटिंग तो यहाँ नहीं हुई है, पर इसी शनिवार वाड़े पे बेस है, क्योंकि उनका घर यहीं पे था। तो चलिए आज मैं आपकी इस आपको इसकी हॉन्टेड स्टोरी भी बताती हूँ, और इसको क्यों भूतिया किला कहते हैं वो भी कहती हूँ, और हमें घूमने में ये भूतिया किला कैसा रहा और हमारा कोई भूतिया एक्सपीरियंस था कि नहीं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर इंटर करते ही सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया टिकट, और अब हम सोच रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है, यहाँ पर क्या ऐसा है जो हम देख सकते हैं। तो जी अब मैं आपको बताती हूँ। घुसते के साथ ऐसा हमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा तो दिखा नहीं था, पर साइड साइड में हमें बहुत छोटी छोटी गलियाँ दिख रही थी, जो कि पहले से हमने यहाँ के हॉन्टेड स्टोरी सुनी हुई थी, तो हल्के हल्के सी डर लग रही थी, क्योंकि बहुत अंधेरे अंधेरे रास्ते भी थे। अब यहाँ पर जो है चारों तरफ तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, आप देख सकते हो नीचे से पूरा रोड दिख रहा है, और ये शनिवार वाड़ा की ऊँची ऊँची दीवारें। यहाँ पर बेसिकली देखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हाँ अगर आप पुरानी चीज़ें देखने का शौक़ रखते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। आप देख सकते हो सामने से पूरा खाली मैदान है। बोलते हैं कि बीच में आक्रमणकारी जब आए हुए थे तो बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया है, तोड़ दिया गया है, जला दिया गया है, जिस कारण से यहाँ देखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, बट हाँ अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। जैसे कि ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये शनिवाड़ा का मेन पॉइंट है, जहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी और नीचे का आनंद लिया करती थी, देखा करती थी, और ये अभी भी वैसा ही है, बिल्कुल लकड़ी की विंडो बनी हुई है। तो चलिए अब मैं यहाँ की हॉन्टेड स्टोरी आपको बताती हूँ। ऐसा माना जाता है कि बाजीराव मस्तानी के जो पुत्र थे, जो बेटा था बाजीराव मस्तानी का, उसको यहीं पर उसके चाचा ने बहुत निर्ममता से, बहुत मतलब क्रूरता से मारा था। तो आज भी बोलते हैं कि शाम में 6 बजे के बाद यहाँ पर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो चिल्लाता है कि चाचा मुझे बचाओ, ऐसा मराठी में करके उसकी आवाज़ यहाँ सुनने को मिलती है। तो इसीलिए इस प्लेस को हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है पुणे का, और यहाँ पर शाम के बाद जाना एंट्री बंद है। बोलते हैं कि जो भी शाम के बाद यहाँ पर रुकता है वो पागल हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर शाम के बाद की एंट्री बंद है। काफ़ी बड़े में है ये शनिवार वाड़ा, तो हम लोगों ने पूरा शनिवार वाड़ा एक्सप्लोर किया। आप चाहे तो नीचे बैठ सकते हैं जाकर। इस किले की सैर करते करते हम लिटरली बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था, और ये क्या था हमें समझ में नहीं आया। पता नहीं ये पुराने जमाने का क्या था, वॉशरूम था, जो भी था, बहुत बहुत ही मतलब लग तो वैसा ही रहा था वॉशरूम जैसा ही, बट समझ नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पर बंद करके रखी गई है, जो साइड साइड में आप छोटे छोटे रूम देख रहे हैं वो बंद करके रखी गई है। शनिवार वाड़े के चारों तरफ से जो है बाहर निकलने के लिए मतलब दरवाजे हैं, और ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो ये पहले बने हुए थे, और इसको बाद में ढा दिया गया था, जला दिया गया था, जिस कारण से शनिवार वाड़ा का जो मेन पोर्शन था रहने के लिए, जो भी यहाँ पर महल वगैरह लगता होगा, वो सब चीज़ें जो थी वो जल गई थी। बीच में अभी जो नहाने के लिए कुछ कुछ बने हुए थे, ये सारी चीज़ें पानी के लिए, पानी की व्यवस्था उस समय काफ़ी अच्छी थी, पाइपलाइन के तरह का दिख रहा था अभी भी, तो वो सारी चीज़ें थी। अब ये जो आप देख रहे हो ये दरवाज़ा है शायद, जो बोलते हैं कि जहाँ पर उनके लड़के को जलाया गया था या जो भी किया गया था, जहाँ से आज भी उनकी आवाज़ आती है। तो मेरी दीदी बोल रही थी कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से दूर रहो, क्या पता क्या हो रहा होगा। तो हम लोग भी वहाँ से थोड़ा परहेज कर रहे थे। और ये आप देख सकते हो तोप रखा हुआ था, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे तरीके से रखा हुआ है। अरे जस्ट पीछे है यहाँ शनिवार वाड़ा, और अभी हमने पूरा शनिवार वाड़ा घूम लिया है। कंटिन्यू कुछ दिनों से हमारी मतलब ना हम घूम ही रहे हैं, 5-6 दिन हो गए कंटिन्यू घूम रहे हैं। तो आप देख सकते हो मेरे फेस में भी स्वेलिंग आ चुकी है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जो कि मेरे फेस पे दिख रहा है।
फिर भी गोभी घूमते ही जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो। प्लीज़ ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए और इतनी ज़्यादा भूतिया जगह घूमने के बाद अब हम जाने वाले थे गणपति जी के दर्शन करने, जो हैं हलवाई गणपति। मतलब इनके दर्शन किए बिना पुणे की ट्रिप आपकी पूरी नहीं हो सकती है। पुणे में कोई भी शुभ कार्य अगर कोई भी करता है तो वो गणपति जी के आशीर्वाद से ही करता है, और जो भी लोग बाहर से आते हैं वो गणपति के आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं। तो अगर आप भी कभी पुणे आएँ तो ज़रूर यहाँ ज़रूर जाएँ। बहुत ही खूबसूरत है ये गणपति मंदिर भी, और बहुत ज़्यादा प्राचीन है। और ये और उसके बाद हम लोग एक गणपति मंदिर और गए, यहाँ का नाम मैं अभी भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं है। ये भी बहुत ही फेमस गणपति मंदिर है यहाँ का। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल सब